बस लोग कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैर से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा मैं अपनी हंस की डाइट क्या देता हूँ। इतने हेल्दी और मोटे मोटे अंडे देती हैं और एग्स वो छोड़ती नहीं है देना। और अपनी चिंकी और चिंकी की ग्रोथ का राज भी बताऊँगा आपको, चलिए बताता हूँ। पहले कनाली धो लेते हैं चिंकी और चिंटू की। अब कनाली धो लिया, इसमें अब वो वाली हम दाना डालते हैं। कैसे बनाते हैं चलिए आपको दिखाता हूँ। आपने अपनी जब बहन आपके अंडे देती हूँ तो आपने उनको क्या खिलाना है, क्या बनाना है, आपको सारा कुछ इसमें आपको खाने का व्लॉग पता चलेगा। और अगली वीडियो में आपको मैं पिलाना बनाना सिखाऊंगा। चलिए चलते हैं। मैंने ये रात को रोटी बना ली थी, दिखाओ। ये देखे रात को मैंने रोटी भिगोई दी थी इनकी, एक रोटी मैंने भिगोई किया। और ये चिंकी चिंटू भी खा सकते हैं और ये मुर्गियाँ भी खा सकती हैं। मुर्गियों को सुबह ये डाल दिया था, अब चिंकी और चिंटू को डालेंगे। चलिए अब आपको बनाने, इसको पहले हम निचोड़ लेंगे। ये देखें ऐसे पूरा इसका पानी निकाल लेंगे हम। ये देखें पूरा पानी निकाल लेंगे। ये डैन इधर भी आ गया, इसको खाने का कुछ पता नहीं है और ये इधर खाने आ रही है। वाकई मैं कुछ नहीं खाती, इसका मैंने इलाज ढूंढा था वो भी आपको बताऊंगा। और ये पानी हम सारा डालेंगे और ये सारी रोटियां हम इसमें डालेंगे। जो नीचे गिरी होंगी वो सारी मुर्गियां खा लेंगी। बंद कर, मैं इसमें डालूंगा। इसको पहले हम ऐसे नरम कर लेंगे अपने हाथों से। ये देखें ये देखें ऐसे पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं अब है ना, तो अब ये अच्छी तरह मैंने रात को 12 बजे भिगो दी थी फ्रेश रोटी बना के। ये देखें ये हो गए ऐसे ऐसे आपने कर लेना फुल नरम। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी फीड है 14 नंबर भरों की। ये देखें ये बड़े भी खा सकते हैं छोटे भी खा लेते हैं। ये देखें ये है फीड, ये देखें। और इसमें हम डालते हैं ये बस। और अब ये देखना कितने शौक से खाती मेरी चूची और चूचू। ये सारी एक रोटी ना ये वही खाते हैं, ज़्यादा डाली ना तो फिर जैसे मेरी सुसेक्स मर गई थी ना तो वैसे ही वो वाली दो बहनें थी ना ये, तो ये वैसे भी हो सक, अल्लाह ना करे। बस ये अब हम कनारी पूरी भर देते हैं। अब ऐसे आपने कर लेना ठीक है। और अब हम कनाली पूरी भर देते हैं, ये वाली ठीक है। चलिए अब भरते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे इतना अच्छा है ये जो मुर्गियाँ नहीं ना खाती, इतना अच्छा इनका पता चला है ना। ये देखें एक रोटी इनको पूरी डाल दी ना तो ये फिर दो टाइम खा लें, बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखें ये मैं डालता हूँ जो मेरी इतने हेल्दी एग्स होते हैं मुर्गियों के, और ये रुकती नहीं है एग्स से ना। चल बंद कर, कैसे भूख इनको लगी है, इनको फुल भूखा कर लेना और फिर इनको दाना देते हैं। चलिए अब देते हैं देखें अब ये देखें इनकी स्पीड देखना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। इनको दाना डाल दिया, अब ये खाएंगे। मैं आपको अब थोड़ी देर बाद मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़। आ गया हूँ जी मैं, फिर मैं ऊपर ही बैठा था ऐसे ही, तो मैं नीचे गया हूँ और गन्ना लेके आया हूँ खाने के। ये चाची ने भेजा था, खाते हैं और मज़े करते हैं। आ गए थोड़ी देर बाद, मैंने गन्ना भी चूस लिया था तो अब मैंने नींबू को खोला थोड़ी देर, तो आपको दिखाता हूँ। चलिए दिखाता हूँ। हमें सिल्वर मशीन में दिखाई ना, ही दंदरा भी दिखाया, हाथ तो भी थोड़ी लो लग रहा है। ये भी मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब आपको दिखाता हूँ अपना रैम्बो, धूप भी चले गई है। हमारा रैम्बो बंदा ही छोटा लगता बट है बड़ा लंबा, कैमरे में और छोटा हो जाता है लेकिन है नहीं। तो ये देखें अब इतने मुर्गियों का जो दाना गिरा वो इसने उठा लेना। ये अब इसने अपना फेस नहीं दिखाना हमें। चलिए अब आपको हैंस दिखाते हैं और फिर व्लॉग्स की एंडिंग करते हैं। करनी है क्योंकि पिंजरे का दरवाज़ा ही बंद है, खोल देते हैं तो फिर देखना अंदर जाती, देखना भी जाएंगे।
जो मुर्गा है ना, इसको नीचे वाला मुर्गा खाने नहीं देता। 3 दिन से ये भूखा ऊपर ही बैठा है। उसकी हिम्मत है जो 3 दिन से ऊपर भूखा। नहीं, हम तो नहीं ऐसे कर सकते। हमारी मुर्गियाँ तो भला एक दिन में फुट गई हो। नहीं, हमारी मुर्गियाँ भी 3 दिन रेस्ट कर सकती हैं दाने के बगैर। तो चलिए अब आपको नीचे वाली सिल्वर मिस्त्री दिखाते। सिल्वर मिस्त्री का मेल बहुत और फीमेल सारी इसने ली है। ये इंडिया आधी फौज ऊपर बैठी है। आनंदी है तो 5 के करीब करीब बंदे सही है। 5 भी 13 में से 5 तो देख, 14-15 में से 5 दे। और वो देखें, 2 फीमेल वो खड़ी हैं। ये खड़ा है अब, इसने गर्दन ही ऊपर करनी। ये कर ली। हमारा केज भी वैसे ही खाली पड़ा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा कि मैं अपनी हंस को क्या डालता हूँ, आपने देखा ही होगा। तो जी, आप पानी को मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जो मुर्गियों को बीमारी लग जाती है ना, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और ध्यान रखना अपने लाइफ व्लॉग को सब्सक्राइब किया। अल्लाह हाफिज़।